मसॉट एल्गोरिदम हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, या तो डायरेक्टली इसकी इम्प्लीमेंटेशन पूछी जाती है या फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्टार्टिंग में समझना थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, तो इसीलिए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मर्ज सॉर्ट कैसे वर्क करता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मर्ज सॉर्ट में हमें एक गिवन अनसॉर्टेड एरे होगी, उस एरे को हमें सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना होगा। सॉर्ट करने के लिए हम डिवाइड एंड कंकर एंड रिकर्जन का यूज़ करेंगे। हम एरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे ये गिवन एरे है तो इस एरे को मैंने दो एरे में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हम डिवीज़न को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि एरे फर्दर डिवाइड ना हो सके। जैसे यहाँ पर ये एरे है, इसको फिर से मैंने डिवाइड कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में, यहाँ पर अगेन मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों एरे में एक ही एलिमेंट है, विच मीन्स कि अब मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। तो नाउ आई विल स्टार्ट मर्जिंग, मतलब इन दोनों एरे को मैं कंपेयर करूंगा एंड अकॉर्डिंगली मैं मर्ज कर दूंगा कि जो छोटा एलिमेंट है वो पहले आना चाहिए और उससे बड़ा एलिमेंट उसके बाद आना चाहिए। तो इसीलिए इसका नाम मर्ज सॉर्ट भी पड़ा है, बिकॉज हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं इसके बाद हम मर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। अगेन ये जो एरे है इस पर भी मैं डिवाइड करूंगा, उसके बाद अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे अब वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर मैं मर्ज स्टार्ट कर दूंगा। अब जब मैंने यहाँ पर मर्ज कर दिया है तो इन दोनों एरे को भी मैं मर्ज करूंगा। अब यहाँ पर ये एरे भी मर्ज होके एक सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट हो गई है। अब मेरे पास ये दोनों जो एरे आई हैं इन दोनों को भी मर्ज करूँगा, तो अब एक जो पार्ट था वो मेरा सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है उसको भी मैं सेम तरीके से डिवाइड करूँगा एंड मर्ज करूँगा, तो आफ्टर दैट मर्जिंग मेरे पास सेकंड एरे भी सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड लास्ट में हम इन दोनों एरे को मर्ज करेंगे इनटू अ सॉर्टेड एरे। तो इस तरीके से हम एक अनसॉर्टेड एरे को सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग मर्ज सॉर्ट। एक बार इसका रिकर्सिव ग्राफ भी देख लेते हैं। तो जैसे ये एक अनसॉर्टेड एरे थी, इसको हम डिवाइड बाय टू कर रहे हैं एंड इसको हम तब तक डिवाइड बाय टू करते रहेंगे जब तक कि एरे का साइज़ वन ना हो जाए, एंड जैसे ही वन हो जाएगा उसके बाद हम मर्जिंग स्टार्ट कर देंगे। सिमिलर सा ग्राफ सेकेंड एरे के लिए भी बनेगा। अब इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। ये एल्गोरिदम मैंने जावा में लिखा है। मेरे पास एक अनसॉर्टेड एरे है, उस एरे पे मैं मर्ज सॉर्ट रन करूंगा एंड मैं एरे को प्रिंट कर दूंगा। मर्ज सॉर्ट में मैं एरे भेज रहा हूँ, स्टार्ट ऑफ द एरे भेज रहा हूँ एंड एंड इंडेक्स ऑफ द एरे भेज रहा हूँ। तो मर्ज सॉर्ट इज़ अ रिकर्सिव फंक्शन, ये एरे को डिवाइड करने का काम कर रहा है एंड लास्ट में मर्ज फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो जैसे हमने देखा था कि ओरिजिनल एरे को हम डिवाइड बाई टू करेंगे एंड डिवाइड करते रहेंगे जब तक एरे का साइज इक्वल टू वन हो जाएगा। ये डिवीज़न रिकर्सिव फंक्शन में कॉल होगी। यहाँ पर मैंने एक बेस कंडीशन ऐड की है, स्टार्ट ऑफ द एरे इज लेस देन एंड ऑफ द एरे। मैंने यहाँ पे मिडल पॉइंट निकाल लिया एरे का। उसके बाद मैंने मर्ज सॉर्ट रन कर दिया दो एरेज पे। एक्चुअली एरे तो मैं ओरिजिनली भेज रहा हूँ बट मैं स्टार्ट ऑफ द एरे एंड एंड ऑफ द एरे को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मतलब कि एरे यहाँ पर मेन एरे ही यूज़ हो रही है बट मर्ज सॉर्ट फंक्शन सिर्फ वहीं तक एक्सेस करेगा एरे को जहाँ तक कि स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स प्रोवाइडेड होंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स जीरो से लेके मिड तक होगा और यहाँ पर मिड प्लस वन से लेके एंड तक होगा, मतलब इन दोनों पार्ट्स पे मर्ज सॉर्ट रन करेगा। लास्ट में जब दोनों पार्ट्स सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम मर्ज फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब मर्ज फंक्शन में भी हम ओरिजिनल एरे भेज रहे हैं, फिर स्टार्ट ऑफ द एरे भेज रहे हैं जो पहली एरे का स्टार्ट इंडेक्स बन जाएगा, फिर एंड ऑफ द एरे भेज रहे हैं जो सेकंड एरे का एंड इंडेक्स बनेगा, एंड मिड भेज रहे हैं जो कि स्टार्ट ऑफ एरे टू बन जाएगा। तो यहाँ पर मेन एरे कुछ इस तरीके से दिख रही होगी, मतलब दो एरेज जो हैं वो सॉर्ट हो चुकी होंगी यहाँ पर। उसके बाद मैंने मेन एरे से दो एरे बना ली, लेफ्ट एंड राइट एरे, सो दैट कंप्यूटेशन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ पर मैं इन दोनों एरेज में एलिमेंट डाल रहा हूँ, फिर मैंने दोनों एरेज के इंडेक्स जीरो सेट कर दिए हैं एंड मेन एरे का जो इंडेक्स है वो मैंने स्टार्ट ऑफ एरे वन सेट कर दिया है। अब मुझे पता है कि ये जो दोनों एरेज हैं जो मैंने मेन एरे से बनाई थी वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो अब सिर्फ मर्ज करना है मुझे। तो मर्ज करते टाइम मैं देख रहा हूँ कि मैंने तीन इंडेक्स लिए हैं, पहला इंडेक्स मेरा वन पे होगा, सेकेंड इंडेक्स मेरा टू पे होगा, थर्ड इंडेक्स मेरा मेन एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे होगा। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इफ़ वन इज़ ग्रेटर देन टू तो मुझे टू पहले ऐड करना है मेन एरे में, वन बाद में जाएगा। इफ़ वन इज़ लेस देन टू वन ऐड हो जाएगा एंड इस एरे का इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि मैंने एक लूप रन कर दिया है एंड इस लूप पे मैंने बेस कंडीशन लगाई है कि दोनों एरे के जो इंडेक्स हैं वो एरे की लेंथ से कम होने चाहिए। फिर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इफ़ एलिमेंट ऑफ एरे वन इज़ ग्रेटर देन एलिमेंट ऑफ एरे टू, विच मीन्स कि एरे टू का एलिमेंट मेन एरे में ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने एरे टू का एलिमेंट मेन एरे में ऐड कर दिया, फिर एरे टू का इंडेक्स एंड मेन एरे का इंडेक्स इंक्रीमेंट कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एरे वन का एलिमेंट मेन एरे में ऐड करना है एंड दोनों इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देना है। फिर एंड में ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से मैंने एरे वन तक ट्रैवर्स कर लिया है बट एरे टू तक अभी कम्प्लीटली ट्रैवर्स नहीं हुआ है, तो जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो भी फिर मेन एरे में डालने हैं।
तो इसीलिए पहले मैं लेफ़्ट एरे के एलिमेंट्स डाल रहा हूँ मेन एरे में, फिर राइट एरे के एलिमेंट्स मेन एरे में ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मर्ज सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ एन लॉग एन है। इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है, अगर आप चाहते हो कि इसकी प्रूफ की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर देना। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं इस एल्गोरिदम के रिलेटेड तो वो भी कमेंट कर देना। ये एल्गोरिदम स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा समझने में, तो एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करके भी देखना। अब कोड को रन करके देख लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी अनसॉर्टेड एरे जो है वो एंड में सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट हो जा रही है। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, एंड इसके रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड भी वीडियो यहाँ पर चेक कर सकते हैं।